और आज हम लेकर आए हैं शो में आपके लिए वो बातें जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हैं और मुख्तलिफ बना सकते हैं। होता यह है कि हम ये चाहते हैं कि एक तो सोशल मीडिया वैसे इतना ज़्यादा दौर है सोशल मीडिया का, लोग देखते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम भी कुछ मुख्तलिफ नज़र आएँ, चेंज नज़र आएँ। तो अपने आप को कुछ चेंज दिखाने के लिए, चेंज लुक के लिए हमें क्या क्या टिप्स यूज़ करनी चाहिए, तो ये आज हम जानेंगे अपने इस शो में। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उन्हें दावत दूँगी। हमारे साथ हैं मॉडल, एक्टर और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, सो आई वुड लाइक टू कॉल वकास नियाज़ी। So very much. You're looking amazing. Thank you so much for coming. First of all, अच्छा ये बताओ कि इतना attire different रखा हुआ है, आप भी तो उसी theme का हिस्सा तो नहीं हो कि I want to look different? It's always about being yourself. Or this is Sherwani. This is more of a Pakistani dress. But so, I love the way you are carrying it. Actually होता है कि लोग शेरवानी पहनते हैं और एक उसे different way में एक शेरवानी शेरवानी ज़हन में होता है, पर ये बिल्कुल एक मतलब आपने नीचे ड्रेस शर्ट भी पहनी हुई है, साथ में जो है पैंट्स हैं एंड विद शेरवानी, सो इट्स गिविंग अ वेरी नाइस लुक, वेरी डिफरेंट इन फैक्ट। आई थिंक ये लोग नेक्स्ट जो है आई थिंक इस तरह जो है वो थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप अपनी स्किन में कैसे फील करते हैं, तो इट्स ऑलवेज अबाउट वेयरिंग अ स्माइल और अच्छे से पहने और इट्स ऑलवेज अच्छा। स्माइल कितनी हेल्प करती है? आई थिंक इट्स एवरीथिंग। दे से दैट यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड अनलेस यू वेयर अ स्माइल, और हंसते हुए सारे ही अच्छे लगते हैं। देखें अपनी तरफ देखें, यू लुकिंग अमेजिंग। ऑलराइट, अच्छा ये बताइएगा कि आपने जो बालों का स्टाइल रखा हुआ है, ये अपने आप को अगेन वो डिफरेंट रखने के लिए या यू जस्ट वांट टू फील लाइक मुझ पे ये चीज अच्छी लगती है? आई गेस मुझे एक तो अच्छी लगती है, दूसरा आप इवॉल्व करते हैं ओवर द टाइम, तो कुछ इंस्पिरेशंस भी थी और आई लव इट। आई डोंट नो बट आई गेस आई वांट अ जेनेटिक लॉटरी फ्रॉम माय डैड, मेरे बाल अच्छे हैं तो व्हाई नॉट। तो व्हाई नॉट, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा इतने डिफरेंट लुक के साथ लोग एकदम से अट्रैक्ट तो होते होंगे और देखते होंगे कि मतलब बहुत चेंज लुक है, मॉडल है, एक्टर है, लेकिन इससे अपने साथ साथ अपने अपना एक बिल्कुल इसने अपना डिफरेंट लुक दिया हुआ है। People they love it. Like what else I can say? Like उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग आपको attention देते हैं। Attention भी देते हैं, प्यार भी करते हैं और I guess I'm lucky. Alright, so हम और भी tips जानेंगे। हमारे साथ आज जो है makeup artist stylist मौजूद हैं, दोनों से बात करेंगे। आज मैं सबसे पहले दावत दूंगी सोफिया को और साथ ही अरूसा को, तो हम सब मिलकर जो है आपको बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं। स्टे विद अस।
ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सोफिया स्टाइलिस्ट भी मौजूद हैं जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और साथ में हमारी हेयर एक्सपर्ट मौजूद हैं रूसा भी। सबसे पहले रूसा से बात करेंगे। रूसा, आजकल कौन से ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जो आपको एकदम से स्ट्राइक करते हैं, लोग एकदम से अट्रैक्ट होते हैं उनसे बालों के हवाले से? काफ़ी टेक्निक्स आई हुई हैं बालों की, जिसपे पीकाबू हाईलाइट्स हैं और एक्सप्रेस हाईलाइट्स हैं, ब्रूनेट बाल आज है। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हो रही थी मतलब बालों पर, तो अब लोग उस चीज़ को नहीं मांगते, वो कहते हैं कि वो एक क्लिप ले आते हैं जिसकी वजह से, और वो कहते हैं कि हमें ये कर दें आप, हमें ये करवाना है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो फॉलो हुई भी होती हैं, लेकिन ये कि वो कहते हैं बस इस तरीके का कर दें। लेकिन ये कि हम अब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं बालों का, मतलब आप देख ही रहे हैं कि बालों पे काफ़ी वर्क स्टार्ट हो चुका है और मतलब काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। जी सोफिया, आप क्या कहेंगी? बेसिकली आई फील के जैसे कि ये बता रही हैं कि ओम्ब्रे आ चुका है, एक्सप्रेस हाइलाइट्स आ चुकी हैं, बट स्टिल एट दी एंड यूजुअली लोग जो मेरे पास आते हैं, मैं देखती हूँ वो ज़्यादातर दे वांट कि जी बीबी हाइलाइट्स हों, ज़्यादा नेचुरल लगे, बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं उनको चाहिए। ठीक है, तो ओल्ड बिकॉज हाईलाइट्स ही कैन नेवर बी आउट ऑफ फैशन, वो हमेशा इट ऑलवेज गिव्स यू दैट ग्लैमरस लुक। पर व्हाट अबाउट चेंज लुक के लिए, लाइक चेंज लुक में आई फील के फैशन कलर्स बहुत आ गए, जैसे पीपल दे वांट बर्गंडी। अभी मैंने एक किसी का किया था, उनको पूरा बड़ा अच्छा मैंने वायलेट बर्गंडी दे दिया था, तो उससे बड़ा फंकी सा लुक आ जाता है। एंड यू नो एट इट्स हाउ यू कैरी योर सेल्फ, कुछ लोग बड़े अच्छे से कैरी कर लेते हैं उसको। एंड लोगों को ये यूजली ये भी होना चाहिए आइडिया कि एक कलर अगर किसी एक्ट्रेस ने या सेलिब्रिटी ने कराया है तो क्या ये आप पे सूट करेगा, और अगर करता है तो फिर इफ़ यू कैन कैरी, क्योंकि हेयर आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर, एग्जैक्टली सही है। तो अगर आपने हेयर कट या कलर अपने पर्सनालिटी के मुताबिक लिया है तो इट यू कैन कैरी एनीथिंग। अच्छा, ये वाली बात आती है कि आप लोगों से गाइडेंस लोग लें तो ज़्यादा अच्छा, बनिस्बत इसके कि वो लाके एक तस्वीर दिखा दे कि मुझे ये बनना है, ये नहीं होना। यूजुअली दे शो अ पिक्चर और वो बस कहते हैं, और वो पिक्चर में एक्चुअली थोड़ी फोटोशॉपिंग भी हुई हुई होती है। श्योरली, ठीक है, तो वो फिर एक डिफरेंट होता है, और फिर हमारे जो हेयर टोन्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, और जिनके वो लेके आते हैं यूजुअली वो डिफरेंट होते हैं। वो बिल्कुल, आप अगर वेस्ट के बाल देखें तो उनके बालों का टेक्सचर कलर डिफरेंट होता है, उनका पिगमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारी रेड आ रही होती है, कॉपर आ रही होती है, फिर येलो पे आके रुक जाती है, और ये कि अपना अंडरलाइन पिगमेंट को देखना बहुत, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और हाँ, वो आपको एक समझें, फॉर एग्जांपल अगर कोई आया है विद लेवल ऑफ 4, यानी कि डार्क ब्लैक बाल हैं, तो उनको आपने लेके जाना 10 लेवल पे कट डाउन करके, तो ऑब्वियसली उसमें डैमेजिंग भी होता है। एंड यूजुअली मैं क्लाइंट्स को बता देती हूं, मैं मैजिक नहीं कर सकती, डैमेज हो गया। अच्छा, अब डैमेज की बात आती है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा वकास की तरफ आऊंगी। आप ट्रेंड बताएं। हां, लव टू ऐड टू द डैमेज, जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डिफाइंस द टेक्सचर। ट्रेंड्स की बात बताएंगे, डैमेज के बारे में, डैमेज के बारे में बताऊंगा। पहले डैमेज के बारे में बता दो, ठीक है। उसमें क्या होता है, वंस यू अप्लाई द प्रोडक्ट्स होती हैं वो, जब व्हेन यू अप्लाइंग द, फॉर एग्जांपल इफ यू डूइंग अ केराटिन एंड इफ़ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, फॉर एग्जांपल अभी प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं विच आर रियली गुड, सो व्हेन यू आयरन देम इट डजन अफेक्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उस प्रोटीन से वो बना होता है, विच आई थिंक इज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक्सपर्ट्स दे आर देयर, बट यू टॉक्ड अबाउट स्टैंडिंग आउट, ईदर यू कैन बोरो द ट्रेंड्स और यू कैन सेट अ ट्रेंड। तो आइडियाज़ आप बोरो करते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि लोगों को अपनी एस्थेटिक्स जो हैं वो बढ़ानी चाहिए और दे शुड एक्सपेरिमेंट देमसेल्व्स। अच्छा, आप तो मैंने देखा कि खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाय द वे इन्होंने पर्म कराया है बालों को, वेरी वेरी, मेक देम लुक नेचुरल दो। अच्छा, ये 90s के ट्रेंड्स इंस्पायर हो गए। या मैं आई ग्रू अप लिसनिंग टू लेड ज़ेप्पेलिन, तो बचपन का थोड़ा सा शौक था रॉक स्टार वाला। तो ये चीज, ये जो एक लुक होता है ना, अपना खुद का एक ट्रेंड निकालना, ये भी एक बड़ी बात होती है। तो मैं कहती हूँ कि अपने आप को आप डिफरेंट दिखाने के लिए आप अपने आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने लुक्स में क्या चेंज ला सकते हैं? सो वे क्या लुक्स में चेंज ला सकते हैं, कोई एक टिप्स दें कपड़ों के हवाले से या कपड़ों? बेसिकली मुझे, आई हैव ऑलवेज फेल्ट के कुछ जो ट्रेंड्स होते हैं ना, दे आर नेवर आउट ऑफ फैशन। जैसे बेसिक कलर्स होते हैं, हम जैसे कोई भी सूट पहनते हैं, यू नो प्लेन प्लेन आर वेरी इन, यू नो जैसे वन कलर टोन हो गए। आपने अगर कोई शलवार कमीज भी पहना या कोई भी चीज़ पहनी, इवन हेयर का भी आजकल हाइलाइट्स का भी बहुत ट्रेंड है, लेकिन आजकल वन कलर टोन का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे चॉकलेट ब्राउन हो गया,
कैरमल ब्लॉन्ड कलर हो गए, इस तरह के भी, और इसी तरह आपके कपड़ों में भी वन कलर बहुत चल रहा है, जैसे सॉलिड कलर्स होते हैं वो मुझे, आई ऑलवेज लाइक नेवी ब्लू, यूजुअली आई हैव सीन वेयरिंग पीपल ब्लैक, नेवी ब्लू, बेज, तो इससे ना आप हमेशा स्टैंड आउट करते हैं। अगर आप वो लॉन के थ्री पीस सूट देखें किसी को पहने हुए, या फिर आप किसी को सिर्फ बेसिक एक वन कलर पहने हुए देखें सॉलिड, तो इट विल ऑलवेज स्टैंड आउट। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात होती है कि आप थोड़े से चेंज लग रहे थे, आप क्या कहते हैं? और सेकेंडली कि अपना आप प्री लाइटनिंग वगैरह जब हो जाती है बालों पे, आपको पता है बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, तो उनका एक स्टैंड अलॉन ट्रीटमेंट आता है जो बॉन्ड जो हमारे ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत डैमेजेस होते हैं प्री लाइटनिंग के बाद, आप वो एक ट्रीटमेंट मंथ में एक मरतब ही करवाएंगे ना, तो आप यकीन करें कि बाल आपके इतने मतलब नाम के उसका स्पेशली एजला बॉन्ड में भी है वो, और कुछ उसका कोई स्टैंड अलॉन ट्रीटमेंट ना, स्टैंड अलॉन ट्रीटमेंट जी, अलॉन 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 ठीक जी, अलॉन ट्रीटमेंट तो काफ़ी अच्छा है वो, और मतलब हम जब भी केमिकल प्रोसेस करते हैं तो हम उसमें उनके उसको लाजमी हम रखते हैं, जब हमें प्री लाइटनिंग का लेवल 10 11 क्रॉस करना होता है तो हम स्टैंड अलॉन ट्रीटमेंट अपने पास लाजमी रखते हैं, और वो हर आपने देखा है कि सलोन पे लाजमी यूज़ होता है, प्री लाइटनिंग में ऐड होता है वो, जो बालों को डैमेज नहीं करता। ठीक है, डन है, ओके, थैंक यू सो मच आपका रूसा शो में तशरीफ़ लाने का। भी हम बाकी अपने गेस्ट के साथ ही मौजूद होंगे, क्योंकि सोफिया जो मेकअप करके दिखाएंगे, वकास हमें थोड़ा सा और ट्रेंड्स के हवाले से बताएंगे, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने जो आज का आउटफिट पहना हुआ है ये है मलबूसात का बाय एरम, सो यू स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हम अपने दोनों गेस्ट से जो है, जो सोफिया और हमारे वकास मौजूद हैं, इनसे हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो स्ट्राइक करती हों एकदम से, जिस तरह हमने कहा कि सोशल मीडिया में आप अपने आप को जब लेकर आते हैं आप बड़ी स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, तो कौन सी ऐसे कलर्स हैं और कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जिन्हें आप यूज़ करेंगे या अपनाएँगे तो उसके बाद आप फॉरन से क्लिक करेंगे, तो पहले मैं वकास से पूछूं, वकास कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं, कौन से ऐसे कलर्स हैं जो मैं यूज़ करने चाहिए? अब आई थिंक लोगों को रिस्क लेना चाहिए, नॉर्मली लोग क्या आते हैं, जो ब्लैक पहनना है तो ब्लैक पहन रहे हैं, वाइट पहनना है तो रात को वाइट नहीं पहनना, तो आई थिंक अगर रात का इवेंट है तो यू कैन वेयर वाइट, तो वट एवर यू थिंक यू फील लाइक वेयरिंग यू शुड वेयर इट, और आई थिंक शूज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो लोगों को जूतों पर ध्यान देना चाहिए। शूज़ हमेशा आपके बड़े डिफरेंट होते हैं, ये क्यों? हर दफ़ा इनके शूज़ बड़े अलग होते हैं, और वो ऑलवेज यू नो बेसिक, आई फील कि मैं किसी को जब देखती हूँ मैं उसके कपड़े देखूँ ना देखूँ पहले मैं उसके जूते जरूर। अच्छा, जूतों से जज करती हैं आप भी, वही है ना? ऑलराइट, आप क्या ऐसी टिप्स देंगे जिससे एकदम से फर्स्ट क्लिक? Yet I've always seen now basically जब भी आप किसी इवेंट पे जाओ सबने ब्लैक पहना होता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सो ये आई ऑलवेज थिंक कि जैसे रॉयल ब्लू कलर होते हैं या फिर एमरल्ड ग्रीन होते हैं या मरून, फॉर लाइक दे स्टैंड आउट, यू नो दे रियली लुक नाइस फॉर गर्ल्स। और बॉयज़ के लिए तो आई ऑलवेज फील कि अब मुझे लगता है कि ब्राउन या कैमल ब्राउन कलर होता है, नेवी ब्लू या ग्रे, दैट रियली लुक्स लवली। आई लाइक टू ऐड, हर रंग में ना एक अच्छा शेड होता है, तो अगर वो अच्छा शेड आपको मिल रहा है तो पहनिए, ठीक है, और हर कलर में एक गंदा शेड भी होता है, तो अगर वो गंदा शेड पहनेंगे तो स्टैंड आउट होंगे या नहीं होंगे? अगर आप गंदे को अच्छे तरीके से पहन रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो, बुरा लगेगा आपको ऑटोमेटिकली। अच्छा, अनलेस आप कुछ पैरेट ग्रीन टाइप का, आई लव पैरेट ग्रीन बाय द वे। अच्छा, दैट्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ। चलिए आपसे पूछते हैं सवाल, अगर आपको पैरेट ग्रीन कलर दिया जाए तो आप उसका जैकेट बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे, पैंट्स बनाएंगे? फोर पीस, आई विल वेयर द फोर पीस। रियली? ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, अगर अपने बालों का कलर चेंज कराओगे तो कैसा करवाओगे? बालों का कलर एक दफा चेंज हो जाता है तो आपका नेचुरल टेक्सचर रहता नहीं है, तो अभी तक तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया। चलो, अगर हम ये सोचें कि ब्लू ग्रीन या येलो, आई विल गो फॉर आइस वाइट। आइस वाइट, ओह वाओ, वेरी नाइस, समथिंग लाइक डिफरेंट, वो तो वैसे ही हो जाएगा एक वक्त में आके। आई डोंट प्लान ऑफ गेटिंग ओल्ड दो। ऑलराइट, अच्छा, शूज का कलर क्या होना चाहिए जो स्टैंड आउट करे? शूज के कलर से ज्यादा शूज का अच्छा स्टाइल डिफरेंट हो, या लेकिन अगर मैं आपको कहूं इसमें रेड होना चाहिए या इसमें ग्रीन होना चाहिए? ग्रीन इज रेड इज गुड, ग्रीन इज आल्सो गुड, बट नॉर्मली शूज का साइज, शूज की जो शेप है, फॉर एग्जांपल डी टो है, वी टो है, हील कितनी लगी हुई है, इट डिपेंड्स, जिपर है, स्लिप ऑन है, लाइक इट डिपेंड्स किस तरह का शूज है, बट अगर आप खुद बनवा लें, और यहाँ पे काफी अच्छे क्राफ्टमैनशिप है शूज के से रिलेटेड ना, तो आई गेस आई गो फॉर लॉन्ग बूट्स। चलिए आप बताएं, आप कलर बताऊँ कि आप ऑरेंज पहने, येलो पहने, या आप जो है नियॉन ग्रीन,
तो इनमें से कौन सा कलर चूज करेंगे? आई थिंक आई वुड गो फॉर येलो. येलो, ओके. और बालों का कलर आप पर्पल, ब्लू, फिरोजी या रेड? रेड. I've kept red. I've kept मतलब ब्लू भी रखे हुए. अच्छा, really? Oh wow. तो मतलब आप बिल्कुल अपना एक चेंज. मैंने सारे फैशन जो है ना बालों के ऑलमोस्ट कलर्स एंड कट्स. ओके, ग्रेट. अच्छा, शूज आप कैसे, लाइक हाई हील, ब्लॉक हील या शूज़? में यूजुअली ये होता है कि जैसे यूजुअली आई वेयर बेल बॉटम बूट कट जीन्स, यू नो, तो मुझे बहुत शौक है उसके साथ. यूजुअली वेजेस, आई लव वेजेस. ठीक है, वेजेस ये होता है कि आप थोड़ा लंबा भी चल लेते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं. एंड देन स्टिलेटोस, रियली लव देम, दे ऑल्सो लुक रियली नाइस, यू नो. एंड हाई हील्स, आई डोंट नो, मेरे हमेशा हाई हील्स का ही होता है. जबरदस्त हो गया. अच्छा जी, अब मैं वकास से पूछूंगी लड़कियों के ट्रेंड्स के हवाले से, और आपसे पूछूंगी सोफिया से लड़कों के ट्रेंड्स के हवाले से. वकास बताओ, लड़कियों पे कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है? व्हाइट. लड़कियों पे सबसे अच्छे शूज, हाई हील्स, लो हील्स? बूट्स. अगर लड़कियों के कलर, हेयर कलर की बात कीजिए, ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन? ब्राउन, आई गेस. ब्राउन, ओके. अगर ज्वेलरी पहने, वो हैवी ज्वेलरी, लाइट ज्वेलरी? हैवी ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, चंकी ज्वेलरी, थोड़ी सी इजिप्शियन स्टाइल की, लाइक विद अ चंक्स. और लाइक मोर हैवी, क्योंकि हमारे सिंध के इलाके में वो औरतें पहनती हैं चूड़ियां. हां, थर में वो इतनी खूबसूरत चीज है. और आई पहली दफा मैंने देखा ना, आई वाज लाइक दिस, वी शुड ओन आवर कल्चर. लड़कियों के लिप कलर जो है वो रेड होना चाहिए, मरून होना चाहिए या बिल्कुल पीच होना चाहिए? आपने मुझे अब्बा से पिटवाना है. चलिए, ये वाला काट दे सवाल. ओके, नेक्स्ट करते हैं. आप ये बताएं कि लड़कियों पे लेंसेज अच्छे लगते हैं या नहीं? अच्छे लगते हैं. इसका तो आपको बहुत ग्लैमरस लड़कियां मतलब अच्छी लगती हैं. अभी अब्बा नहीं पीटेंगे क्योंकि ऑफकोर्स क्यों नहीं. देखिए, इंटेलिजेंस जो है ना, दैट्स द मोस्ट ग्लैमरस थिंग. तो अगर कोई इंटेलिजेंट है तो आई गेस फॉर मी दैट इज समथिंग. मतलब हम तो लुक्स की बात कर रहे हैं ना. वो देखें, वो इंटरनल एक्सप्रेशन है. फैशन, फॉर एग्जांपल, इफ फैशन इज माय एक्सप्रेशन. पोएट लिखता है, शायरी लिखता है, कुछ पेंटर्स कैनवास पे पेंट करते हैं. तो बेसिकली फैशन इज एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर सेल्फ. तो अगर आपकी इनर सेल्फ इज फॉर एग्जांपल नूरानी है, तो यू विल बी वेयरिंग, हमारी अम्माएं पहनती थी वो सफेद कलर के जोड़े और ब्लैक कलर के, इवन इवन घरारे भी. हाँ, घरारे भी. तो वो रॉयल्टी, वो हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा रॉयल्टी है. एंड पीपल, दे डोंट ओन इट. Or it's like I love my own culture. So I guess agar if you want to stand out, own your roots so that you can अपने culture को आप जो है blend in करो. Blend in करो. Like, oh, very like good. I am very inspired by like आप Pakistan movement देखें तो Qaeda Azam had a different style. Liaquat Ali Khan had a different glasses. Maulana Muhammad Ali Johar had a different cap. They had their own identities. Somehow यहाँ पे क्या हुआ कि we've lost identities और हम कुछ ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं. तो आई गेस थोड़ा सा दोबारा हम अपने उस पे आए हैं, ट्रेंड्स पे. बिल्कुल आए हैं. लोगों को ये समझ आई है कि हमारी जबान बहुत अच्छी है उर्दू, और फारसी भी बहुत अच्छी जबान है. और ये वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. तो खूबसूरत जबानें हैं पश्तो ये सारी, और लाइक उससे एक अच्छा सा ब्लेंड. अच्छा, अब मैं सोफिया से पूछूंगी. सोफिया, लड़कों पे कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं? ब्लू, ब्लैक, व्हाइट? नेवी ब्लू. She's always about the blues. Blue chahiye. We've got the blue sofas. Blue in sofa. No, navy blue. I don't know, but it's a very different, like a proper, bada acha sa eye catching look aati. Black usually sabhi pehnte hain. Black sabhi pehnte. Acha, ye bataye ladkon pe kya blonde wala acha lagta hai, brown ya black? Black. Okay. I'm out. Wo streaks nahi achi lagti kya? Not at all. Not at all. Acha, ladkon pe lenses achi lagte hain? No way. ओके, लड़कों पे स्पेशली जो है जो बो होती है, बो, टाई या और क्या होगा? फ्रेवेट, काफी कुछ होता है. That looks nice. See, that depends on the occasion, you know. But लड़के थोड़े rugged से, raw से अच्छे लगते हैं. वो बिल्कुल ही extra हर चीज़ उनकी जो हुई भी होती है आजकल, जैसे eyebrows बनाई भी हो, या usually I've seen colored lens पहन लेते हैं. किसी की अच्छी लगती है. Like one of my friend, उनकी इतनी heavy eyebrows थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा please थोड़ी सी आप ना thread करा लो. तो करा के thread अच्छा लगा, मतलब बुरा नहीं लगा. एक होता ना कि वो बुरा लगे, वो एक्सप्रेसिव इंसान जो है ना वो हो जाता है. वो आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा मर्दों में था कि पहले दे वर नॉट इनटू ग्रूमिंग. तो अभी अच्छे हो अपने पर. ग्रूमिंग में मेन चीज आई ऑलवेज बिलीव इज हाइजीन. हां, यू शुड स्मेल गुड. और मेन, दे शुड स्मेल गुड. हां, दिस आई थिंक दिस ऑल द टाइम आई फील इफ यू आर स्मेलिंग गुड, वो पेड़ी भी शक्ल का बंदा ना या बंदी, वो आपको बहुत अच्छी लगती. तो आपको अगर सबसे बड़ी बात आज सोफिया ने पूरे शो की कह दी कि आपको अगर अच्छा दिखना है
और आप ये चाहते हैं कि आप स्टैंड आउट करें सब में, तो पहले यू हैव टू स्मेल गुड. ओह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इंपॉर्टेंट है हाइजीन. अपने हाइजीन ऐसी चीज है कि मतलब ऑटोमेटिकली आपकी एक होता है दिल को सकून, नहीं आपकी रूह को सकून जाता है. सो ट्रू. थैंक यू सो मच विकास, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. लेकिन अभी आप हमारे साथ ही हैं क्योंकि अभी आप हमें नोज कॉन्टोरिंग के हवाले से डिटेल में बताएंगी. सो यू गाइज स्टे विद अस. ऑलराइट जी, और अब हमारे साथ सूजी मौजूद है, मॉडल, और हमने पहने हुए हैं मलबूसात बाय इरम के आउटफिट्स, और सूजी ने भी मलबूसात का आउटफिट पहना हुआ है, और हमें सोफिया जो है वो मेकअप टिप्स देंगी. तो सोफिया, आप हमें स्पेशली जो है वो कॉन्ट्रोलिंग के हवाले से बताएंगी, स्पेशली नोज़ कॉन्ट्रोलिंग के हवाले से. पूरा मेकअप हो गया, पहले हम थोड़ी सी नोज़ कॉन्ट्रोलिंग के हवाले से टिप्स लेते हैं आपसे, फिर हम फाउंडेशन और आपके आई मेकअप के हवाले से भी जानेंगे. जी, नोज़ कॉन्ट्रोरिंग में बेसिकली देखें, इनकी जो नाक है वो मतलब शी डजंट नीड मच कॉन्ट्रोरिंग. सही है, मतलब क्वाइट ओके नोज है, क्योंकि इनके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं. जैसे कुछ लोगों के थोड़े ऊपर चढ़े हुए नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये क्यूट से, आई लाइक इट, वैसे मुझे बहुत पसंद है. बट देन यू नो शी इज गॉट रियली अ नाइस नोज. सो इसमें आप ये लाइक दिस काइंड ऑफ नोज. You don't like that. I love my nose. You have beautiful nose. मैं ज़्यादा praise नहीं करूँगी, but yes, I like my nose. मेरी nose को शायद ज़्यादा contouring की ज़रूरत नहीं है. It's perfect actually. But इनकी भी वो वाली difficult nose नहीं है. मतलब इसमें ये था कि मैंने इनके जो ये line है यहाँ से इनको contour कर दिया, ठीक है. And specially आपकी जो nostril का जो ये area होता है, आप इसको भी अगर हल्का सा contour करते हैं तो आपकी nose जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल वो जो खड़ी नाक पसंद की जाती है. सो यू नो दैट इज क्वाइट यूजली आजकल ये है. और आप अगर ज्यादा बेस भी ना लगाएं, हल्का सा नोज को कंटूर कर दें, आपकी जो ये बोन जो कनेक्ट हो रही है यहाँ से, तो वो काफी अच्छा एकदम डिफरेंट सा लुक आ जाता है एकदम, यू नो. देयर आर सर्टेन मेकअप टिप्स जिसमें आपको ज्यादा नहीं करना, थोड़े से ही आपका जो है ना काम अच्छा हो जाता है. अच्छा, अब इस पे आपने कौन से कलर्स यूज करें, किस तरह की इसका आप ब्रशेस यूज करेंगे, क्या करेंगे पूरी टिप्स से? कलर्स में यूजुअली इसका ब्राउन कंटूरिंग में यूज़ होता है, लाइट भी होता है, और डे वेयर जब आपने स्पेशली कोई बर्थडे पे जाना हो या ब्रंचेस पे जाना हो तो बहुत भड़कते हुए ब्राउन कलर्स नहीं होते, नहीं हो, लाइट सा ब्राउन हल्का सा, और वो भी किसी का जो सैग सी स्किन होती है या थोड़ा बहुत राउंड फेस होता है तो उस पर आप हल्का सा, जैसे ये आप देख रहे हैं आर्च वाला ब्रश देख रहे हैं, ठीक है, इससे आपने, अब मैं इनका करके आपको दिखाती हूँ. ये मैं यूजुअली तो क्योंकि ये डार्क लिया है अभी एज सच, क्योंकि ये इस वक्त हमें शूट पे है, शूट है, जब आपने प्रोडक्ट उठाया तो उसके बाद उसको थोड़ा सा आप गिराफ करते हैं, गिराते हैं, ताकि वो एकदम बिल्कुल आपने जिस तरह अपने इस पे हाथ पे हल्का सा स्टैप कर देती हूँ तो वो थोड़ा सा एक्सेस जो होता है वो निकल जाता है, सही है, वरना वो बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन, क्योंकि जब हमने बेस लगाया होता है ना तो कोई भी चीज यूं फॉरन आप स्टिक करते हैं तो उसकी एक वो लाइन सी बन जाती है, सही है. एंड मैं थोड़ा सा ना ब्लेंडेड मेकअप पे बिलीव करती हूँ, हर चीज ब्लेंडेड लगनी चाहिए. बहुत अच्छा किया है आपने, आईज का भी बहुत अच्छा किया हुआ है. तो अब आप बताइएगा नोज. या तो आप, मैं इनको अभी स्टार्ट कर रही हूँ इनकी जॉ लाइन से. तो आपने इनके बाल उठाए और स्पेशली कान के पीछे, ठीक है, वहाँ से आपने इनको पहले टैप किया एंड फिर आप इनको लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगी. प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा सा गिरा दें. जी जी, प्रोडक्ट हमेशा गिराना होता है, इवन इन आई शेडोज ऑल्सो, ठीक है, सही है. तो अब आप अगर इनको देखेंगी तो इनकी ये जॉ लाइन बन गई है. अब आप इस तरफ बनाएंगे तो फिर मैं देखूंगी. लेकिन थोड़ा सा यहाँ से पहले ये कान के पीछे रखा है इनके और इसको आप डाउनवर्ड स्ट्रोक, अगर अपने हाथ थोड़ा चला गया ना, अपने हाथ बहुत लाइट, उसको रगड़ना नहीं है कि वो बिल्कुल ही इतना रफ सा, आपने ये देखें, आप यू नो यू आर जस्ट प्लेइंग इन ऑन द कैनवस, बिल्कुल आराम से. अब आप देख रही हैं कि ना कोई बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन भी नहीं है लेकिन एक कॉन्टोर भी आ गया है, ठीक है डन. सो इसी तरह आपने इसको पूरा आप इस तरह कर देंगे तो वो इनकी एक पूरी जॉ लाइन बन जाएगी. एज शी डजंट हैव अ डबल चिन, सो इसको कोई ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा ब्लेंडेड हो. और अगर आपने कोई बहुत थोड़ा सा इसको डार्क करना है तो आप थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, बट डार्क ना वो अलग से एक मम्मी जैसा लुक आता है, यू नो बड़ा कोई यू नो डिफरेंट डिफरेंट के आपने कॉन्टोरिंग, बड़ी उम्र का इंसान लगने लगा, तो वो नहीं होना चाहिए, ब्लेंडेड होना चाहिए. अब आप देख रहे हैं ना कि इनका एकदम Blended मतलब ये कि एक शेड सा आ गया जिससे आपकी जगह जो है वो एक शेड की वजह से, एंड देन आपका एक चेहरा भी यू नो
कॉन्टोर हो गया, ठीक है। एंड स्पेशली जैसे नोज का तो मैंने आपको बता दिया कि नोज में भी ये होता है कि स्पेशली आप ये वाला ब्रश करके, हाँ जरा बताइए इस तरह का ब्रश देख लें, क्योंकि ये वाले ब्रशेज होते हैं जो बिल्कुल आपको लगते हैं फ्लैट ब्रशेज होते हैं, और इससे तो यूजुअली लोग ये मल्टीपर्पज ब्रश है। उसमें ये होता है कि आपने डायरेक्ट इनके यहाँ से स्टार्ट किया कनेक्टेड थ्रू द आईब्रोज, बट मैं यहाँ से पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनको रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। लेकिन आप यूं नीचे लेते जाते रहे और नॉस्ट्रल से उसको कर्व दे दें। अब मैं डार्क कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू शो टू द ऑडियंस, ठीक है। ठीक है, सेम गोज ऑन द अदर साइड। अच्छा, बिल्कुल पहले आपने एक सॉफ्ट सी और मेरे को बिल्कुल लकीर नहीं खींची लेकिन आउटलाइन दी विद सॉफ्ट हैंड, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर हो या कोई भी चीज़ हो, उससे आप ब्लेंड कर दें तो वो नोज की शेप भी बन जाती है, ठीक है। और फिर मैंने इनकी नाक के जो ऊपर एरिया है इस पर हाईलाइटर कर दिया है, ठीक, ताकि वो एकदम प्रोमिनेंट भी लगे और अच्छा सा भी लगे, यू नो, नाक फिर वो बिल्कुल आपकी वही खड़ी नाक जो होती है, सही है। अब तो वैसे यूजुअली पीपल गो फॉर प्रोसीजर्स, किसी किसी की नाक जो होती है वो थोड़ी सी थोड़ा आपको लगता होगा कि यू नो ये एरिया उनका ज़्यादा वो होता है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि आपने ये ब्रश से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया, ठीक है। एंड देन अब हाईलाइटर आपने उसके ऊपर टिप पे लगाया तो उससे भी वो ना क्यों उठी हुई लग, ठीक है। वेरी नाइस टिप्स। और कोई टिप देना चाहेंगे अगर स्पेशली किसी की नाक यहाँ से हैवी है और यहाँ से पतली है, उसके लिए कोई टिप्स देंगी? ये होता है कि आपने नोस्ट्रल वाले एरिया, जैसे किसी की नाक यहाँ से काफी थोड़ी हैवी है तो आपने उनको ये जो उनका नोस्ट्रल है जैसे इस एरिया से उनको कॉन्टोर कर दिया, ठीक है। तो उससे ये होता है अब जैसे इस पे डार्क कॉन्टोर किया तो उससे ये एरिया उनका जो है ना कवर हो जाता है, वो बिल्कुल पतला, फिर वो पतला लगता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बड़ी अपने आपने अच्छी टिप्स दी हैं नोज़ के हवाले से। कुछ आई टिप्स देना चाहेंगे आई मेकअप के हवाले? आई मेकअप में मैं यूजुअली व्हाट आई डू इज़ दैट, वो एक पहले आई लाइनर्स का ट्रेंड होता था ना, वो मैं थोड़ा सा अब अपने उसमें इतना नहीं करती, बिकॉज आई शेडो आपने जब लगाया हुआ है ना तो आई शेडो के साथ अगर आप आई लाइनर लगाओ तो आपकी आंखें छोटी लगती हैं। यस, व्हेन यू आर प्लेइंग विद आई शेडोज देन यू डोंट नीड एन आई लाइनर, यू जस्ट नीड हाफ लाइनर जिससे आप सिर्फ और सिर्फ शेपिंग कर सके। आई व्हाट अबाउट जो आपके उसके ऊपर क्या नाम है जो लैश होती है उसके ऊपर एक लाइनर का लुक चाहिए होता है, बहुत पतला सब आप देख रहे हैं। इसमें मैंने कोई बहुत ज्यादा थोपा थापी नहीं की हुई लाइनर की, ठीक है। लाइनर लुक अच्छा लगता है जब आपने सिर्फ हल्का सा गोल्ड आई शेडो लगाया हो, रेड लिपस्टिक and nice pointed liner, you know, with these type of heavy makeup liner से वो आँख दब जाती है और आपके आई शेडो में क्या आपने प्ले किया हुआ है वो पता ही नहीं चलता, बिकॉज लाइनर की इतनी लंबी एक वो लकीर आ जाती है, you know, आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। थैंक यू, जैसे आपने भी बड़ा अच्छा ब्लेंडेड सा लुक किया हुआ है आईज का। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनर नहीं यूज करती हूं, अभी भी कुछ लोगों के ट्रेंड है वो यहाँ तक जो लाइनर ड्यूरिंग वो अच्छा लगे। आप कभी अरेबिक मेकअप देखेंगी या कुछ, उनमें आप हमेशा देखेगा दे डोंट प्ले मच विद लाइनर्स, वो शैडोज के साथ खेलते हैं बिल्कुल। और कई होते हैं जो अरेबिक जिनकी आंखों का ये जगह इतनी बड़ी बड़ी होती है तो उनको लाइनर लगाना पड़ता है। हाँ। तो आप अपने ही आई के मुताबिक देखें, जिस तरह हमारे जो ईस्ट ये वाला जो रीजन है हमारा पाकिस्तान का, उसमें स्पेशली जो आंखें हैं ना उसमें कई ऐसी आईज है जिसमें लाइनर बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू, हाफ लाइनर जो है ना आई वुड से दैट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अगेन मैं आपको बताऊं कि हमने मलबूसात के आउटफिट्स पहने हुए हैं और अब मैं तो आपसे जा लूंगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी है कैटवॉक टाइम।